हेलो टेस इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, सिराई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। देखिए, सिक्स दिन पहले हम लोगों ने इस पर डिसीजन लिया था। इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, तो 14 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस था, जिसको भी ब्रेक कर दिया है कंपनी ने, उससे भी डाउन आ गया है। तो अभी क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, टारगेट जो हम लोगों का 20 था, वो बस 18 रुपीज़ 40 तक गई कंपनी, और उसके बाद से ही करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। तो आप लोगों का टारगेट से तो रह गया, मतलब काफ़ी रह गया। तो अभी वापस से करेक्शन करके, क्योंकि कंपनी है, दम रखती है, वापस जाएगी रिकवर करके, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। अब वो टाइम कितना लगेगा, उसी के ऊपर अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चार्ट चेक लेते हैं, नंबर कब आने हैं क्वार्टर फोर के, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। मेनली वहां पे आपको डिविडेंड और नई कंपनियों के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप वहां पे भी सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जो सिराई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्ट बने थे कंपनी में। 7 रुपए से बन के चल रहे थे इसमें, और काफी तगड़ी तरीके से। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बाइंग, काफी अच्छा मूवमेंट, सब कुछ बेहतरीन। काफी टाइम से मौका नहीं मिल रहा था, आज काफी लोगों को एग्जिट करने का मौका मिला है। आज फाइनली इसका लोअर सर्किट ओपन हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए 13 रुपीज़ 65 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। नंबर जो है इसके कल की बताया जा रहा है, कल नंबर इसके आ जाने हैं। चलिए, जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव थी, मार्केट कैपिटल में देखिए अभी 7.184 बिलियन की है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। फाइनेंस से आ जाती है कंपनी, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से। तो जिसका इसके ऊपर बिजनेस था, आपको मैं नंबर दिखा रखा था। देखिए, जून क्वार्टर में क्या हुआ था कि इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आए थे, दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी एक्सपेंसेस आए थे, जबकि सेल इसकी कम हुई थी, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था। पर आप इसका मार्च 2018 से सितंबर 2020 तक का डाटा देखेंगे, तो आपको एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी कि कंपनी की जब सेल बहुत बेहतरीन, मतलब एक तरीके से कह लीजिए नंबर बहुत खर्चा हटाने से पहले का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़िया होता था कंपनी को, मतलब जो बेचती थी कंपनी उससे इसको प्रॉफिट का नंबर जो था वो काफ़ी बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसके खर्चे काफ़ी कम है, 297 करोड़। फिर देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट, रुकिए मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर उसके बाद बड़ी सेल, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट। मतलब ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि जब इस पे एक्सपेंसेस आते हैं और खर्चे जब बढ़ते हैं, तो खर्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। क्योंकि देखिए फाइनेंस से आती है, अब क्या हुआ कि सितंबर से अब दिसंबर वाले टाइम पे इनके जो खर्चे थे वो काफ़ी बड़े नंबर पे आए, जिसकी वजह से नंबर नेगेटिव में थे, तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव में आए थे। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कंपनी को, क्यों? क्योंकि कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी हमेशा ऊपर ही जाती रहे, इसमें थोड़ी करेक्शन के लिए गिरावट भी आनी जरूरी है, तो वही आया है। और उसी के चक्कर में, क्योंकि अब देखिए काफ़ी लोग जो हैं बड़े प्राइस पे जो एंट्री लिए हैं, देखिए मेरा जो कॉलिंग का था, मैं आपको बता दूं, आप वैसे वीडियो में हमेशा ही मिल जाएगा आपको, ये देखिए अभी तक वो प्राइस तक नहीं पहुंचा है शेयर। 13 रुपीज़ 20 पैसे मैक्सिमम प्राइस था जब मैंने आपको बाई का कॉल दिया था, और 10 रुपीज़ 50 पैसे से 11 रुपीज़ 90 पैसे के अराउंड आप इसमें बाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं नीचे हमेशा बताते रहा हूँ जितने लेवल पे एंट्री लेना है, जैसे कि उससे पहले था 8 रुपीज़ 20 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाओ, 8 रुपीज़ 80 पैसे के अराउंड आपको बाई करने का एंट्री का मौका मिलता है, तो इस तरीके से था। चलिए अभी देखिए, ये जो 13 रुपीज़ 20 पैसे वाला मार्क है, ये तो वो भी आ जाता है कि यहाँ पे भी बाई का कॉल था, तो आज देखिए उसके ऊपर ही लोगों ने एग्जिट काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज मौका मिल गया था लोगों को एग्जिट लेने का, तो लोग ले लिए इसमें एग्जिट। ठीक है, अभी क्या होने वाला है, अभी देखिए ये शेयर वापस से रिकवर करेगा, ऐसा नहीं है कि अब तो इसको जो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो 11 रुपीज़ 90 पैसे पे ये शेयर स्टे कर जाता है, या ये 13 रुपीज़ 20 पैसे पे ही अपना जोन बना लेता है, तो बहुत बेहतरीन होगा। पर देखिए, क्योंकि सेल काफ़ी बड़ी आई है, और जो ये लगातार बाइंग थी, ये लोगों का भी अब मुराल डाउन होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बीच में देखिए क्या रहा, कुछ
कुछ भी नहीं रहा, कोई बाइंग नहीं रही ये 3 दिन लोअर सर्किट में। कोई लोग बहुत मुश्किल से थोड़े थोड़े बायर मिले शेयर को, तो वो वाली बात थी। पर कोई नहीं, इसमें वापस से जो ये सेलिंग आई है, नंबर अच्छे आएंगे तो वापस से ये मूवमेंट करेगा और 20 क्या उससे भी अबव जाएगा। जैसे 1 ईयर का टारगेट, जैसे कि इसमें मार्क कर रखा है कि नहीं, मैंने नहीं मार्क कर रखा है, फिर भी हम लोग 60 से अबव का टारगेट लेके चल रहे हैं इसमें। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी हमेशा ऐसा नहीं है ट्रेडर्स की, आपको ये मार्केट है हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस ऊपर जाते ही शेयर दिखाई देंगे। इसमें ऐसा होना भी जरूरी है तभी ये आगे बढ़ेगा, ऐसे ही ऊपर जाता है ये शेयर। तो अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जिन लोगों ने ऊपर एंट्री ले रखा है होल्ड करके चले, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसमें रिकवरी आएगी। आप शेयर को एवरेज कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि एवरेज करें। और ऊपर से मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं, पैनी स्टॉक है तो रिस्क तो रहेगा ही। अगर आप एकदम से बिगनर हैं तो आपको तो कभी अलाउ ही नहीं है कि आप पैनी स्टॉक में जिनमें अच्छे से, क्योंकि अभी इमोशनल का गेम आप लोगों के लिए ज्यादा होता है। जो बिगनर्स होते हैं, पैसे जैसे ही डाउन होने लग जाते हैं उनको समझने की जो चीजों को आगे तक सोचने का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस चीज की वजह से आप अगर एकदम बिगनर हैं, आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये ऊपर जाएगा। और ये तो छोटी बहुत गिरावट है, हम लोग इस आपको मैं बताऊं 78% नेगेटिव में देख रखा है, 90% नेगेटिव में देख रखा है, और उसके बाद 170 प्लस 150 प्लस उसको प्लस में देख रखा है प्रॉफिट को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट है, सब रिकवर हो जाता है। एक दो गलत कॉल लेंगे तभी तो आगे ग्रोथ होगी। तो इस चीजों को हमेशा सबक की तरह लें, सीखें, मार्केट उसी के बेसिस पे है। तो अभी अगर आप लोग जो अब सोच रहे हैं एकदम फ्रेश एंट्री लेने का, तो देखिए यहाँ पे अगर ये सपोर्ट बना के थोड़ा टिक जाता है शेयर का प्राइस, तब आपको इसमें बाय करने का रहेगा। तब तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जो ये रिकवरी का अब देखा जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा था और ये कम से कम 100% से ज्यादा की रैली थी, तो 1 मंथ लग सकते हैं रिकवर, ये जो करेक्शन है इसको कंप्लीट होने में, या थोड़ा सा उससे ज्यादा। पर आपको घबराना नहीं है, नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट आपका बनेगा जैसे ही नंबर आ जाएंगे। ओवरऑल यही शेयर पे था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट शेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा पेशेंस और धैर्य बनाए रखिए, मार्केट है, सब कुछ रिकवर होता है यहाँ।